नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में बेसिकली बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको पता लग गया कि नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। मेरा नाम है सुनील, आप देख रहे हैं स्टार एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। उससे पहले कह देना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो चैनल को आप कर ही देते हो तो प्लीज़ वो भी कर दीजिएगा अगर नहीं किया है अब तक तो, और कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। और अच्छे अच्छे कमेंट देने के लिए पीछे वीडियो पे, उनके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी देते रहें ऐसे ही, जिससे मुझे थोड़ा इनक्रेज मिलता है और वीडियो बनाने के लिए भी थोड़ा सा साहस मिलता है कि हाँ, तुम्हें पसंद आ रही है तो मुझे इस काम करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि देखो, ये ज्ञान है, ये तो बांटने से, जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मुझे जिस चीज़ के बारे में है, जितना मुझे पता होगा जिस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको बताने की हेल्प करूँगा, ज़रूर हेल्प करूँगा आपकी। मुझे भी थोड़ा साहस दीजिएगा कि हाँ ठीक है सर, ये चीज़ हमें समझ आ रही है, थोड़ा आप न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग बातें, तो आप एक्शन दोगे तो रिएक्शंस तो इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर होता ही होता है। चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मीनिंग या नर्वस सिस्टम का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कि देखो नर्वस का मीनिंग ही आपको पता है कि हम नर्वस होंगे बेसिकली इस पार्ट से होंगे। आपको पता लग रहा होगा बेसिकली हमें पढ़ना क्या है इस टॉपिक के अंदर, हमें पढ़ना है इस दिमाग से संबंधित। देखो नर्वस होते हैं तो कोई हाथ से नर्वस होता नहीं है, कान से नर्वस होता नहीं है, गले से नर्वस होता नहीं है। नर्वस का मीनिंग है कि टेंशन होना या कुछ और होना, इसी पार्ट से होना है। तो बेसिकली हमें हमारा माइंड पढ़ना है। नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक तो होता है ब्रेन आपका, एक आपकी होती है स्पाइनल कॉर्ड। ये मेनली दो चीज़ें होती है जिनको अच्छे से या डिटेल से पढ़ा जाता है आपका। तो नर्वस सिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है, ये डिपेंड किस पे होता है, तो ये मेनली जो डिपेंड होता है या इसका जो कहते हैं ना फंक्शनल यूनिट जो है, उसकी फंक्शनल यूनिट है आपकी न्यूरोन। न्यूरॉन्स जो हैं इसकी, इसको हिंदी में भी न्यूरॉन ही लिख रहा हूँ मैं, न्यूरॉन जो हैं इसके वो फंक्शनल यूनिट है आपके, इसको कह सकते हैं इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर ब्रेन। ये फंक्शनल यूनिट है आपका, फंक्शनल यूनिट का मीनिंग क्या है। देखो यूनिट सिंपल सी बात है, हमें बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें कोई ऐसे गिनने को कुछ कहता था, जैसे सपोज करो यही कोई रुपए है, और हमें कोई छोटे होते थे तो गिनने को कह देता था, हम ऐसे गिनते थे इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार भाई यूनिट टेंथ, ऐसे करके हम उसको चलाते थे आगे। मीन्स यूनिट, यूनिट मीन्स सबसे छोटा, बिल्कुल बेसिक। तो ये हमारे दिमाग का एक सबसे छोटी यूनिट है, जिसके तहत क्या होता है बॉडी में सिग्नल जाते हैं और वापस आते हैं। देखो सॉरी, क्या होता क्या है कि बॉडी में जैसे सपोज करते हैं आप कोई ये सपोज करते हैं, यहाँ एक पतीला है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके हम हाथ लगाते हैं, टच करते हैं, ठीक है, और फिर एकदम से वापस कर देते हैं, भी बहुत ज़्यादा सपोज करो गर्म है, इसके हमने हाथ लगाया वो हमें सेंस हुआ, दैट इज़ सेंसरी नर्व्स। देखो इतना डिटेल से हमें एसएससी लेवल में नहीं करना होता, मैं आपको जस्ट नॉर्मली क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि जैसे इसके हाथ लगाया और हमें सेंस हुआ कि हाँ ये गर्म है, वो सेंसरी नर्व से सिग्नल गया है बॉडी के अंदर, फिर उसके प्रति क्या रिएक्ट करना है वो मोटर नर्व्स के थ्रू वापस आता है आपका। तो कुछ ऐसे सिग्नल चलते हैं, सिग्नल मीन्स जाना और वापस आना। माइंड से हाथ में सिग्नल गया, हाथ से पहले तो माइंड में गया है भाई हाँ ये गर्म है, इसका क्या करना चाहिए, आगे हाथ लगाएं या ना करें या जो भी एक्शंस लेने हैं, उसके बाद में वापस दोबारा माइंड ने सिग्नल को भेजा भी हाँ हाथ हटा लो। या आप जैसे गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक लगाने एकदम से कोई आगे आगे एक्सीलेटर पे पैर है आपका, एकदम से ब्रेक पे पैर आना भी आगे आगे, मान लो कोई ऐसा जानवर है, गाय है भैंस है आगे कुछ है, तो आपको एकदम से ब्रेक लगाना है, पहले तो सिग्नल जाएगा आपके पैर तक, पैर से सिग्नल आएगा भी हाँ क्या करना चाहिए, फिर दोबारा वहाँ तक जाएगा। अभी सेंसरी नर्व और मोटर नर्व ऐसे कुछ काम करती है ये। तो ये काम होता किसके थ्रू है, ये सिग्नल जैसे आना और जाना होता किसके थ्रू है, ये न्यूरॉन्स ही होते हैं जो सिग्नल को एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक ट्रांसफ़र करते हैं।
तो फिर सर जी होते कितने हैं भाई, 1 2 3 5 6 कितने आदमी हैं ऐसे काम करने वाले? ये बेटा बहुत है, इसका एक जीरो हटा दो बस, ये 100 मिलियन के आसपास है या इससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये 100 मिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन प्लस टू अनदर प्लस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सिग्नल को ट्रांसमिट करने में हेल्प भी कर रहे हैं। इनकी पावर की बात की जाए, जितनी भी हमारे अंदर मेमोरी पावर है वो भी एक बेसिकली न्यूरॉन्स के तहत ही होती है। बहुत ज़्यादा पावर है, लगभग लगभग एक न्यूरॉन्स के पास एक एक योटाबाइट की जितनी पावर है। देखो योटाबाइट बहुत बड़ी होती है, अगर मैं कंप्यूटर के टर्म से बात करूँ ना तो स्टोरेज में सबसे छोटी यूनिट होती है 1 बिट 1 बिट, इससे छोटा कुछ नहीं होता। जिसे एक फ्लिप फ्लॉप या एक लैची स्टोर करता है बेसिकली, इससे छोटा कुछ नहीं होता। बेसिकली इसकी वैल्यू होती है 0.000478 ऐसे कुछ समथिंग करके वैल्यू होती है इसकी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए ये यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा कि 1 बिट से छोटा कुछ नहीं होता। अगर मैं 4 बिट को इकट्ठा मिला लूँ, 4 बिट को अगर मर्ज कर लूँ एक साथ, तो 4 बिट से आपका बन सकता है 1 निब्बल। आपका 1 निब्बल बनता है 4 बिट से। अगर मैं बात करूँ 8 बिट की, अगर मैं 8 बिट एक साथ मिला लूँ तो उससे बन सकता है आपका 2 निब्बल, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ 1 बाइट, ये 1 बाइट हो जाता है आपका। उसके बाद यूँ समझो कि इन्होंने एक्सटेंडेड बना लिया भाई। सॉरी भाई, ऐसा तो है नहीं कि हर बार 2 लेंगे 8 लेंगे 20 लेंगे, तो एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया। अगर वो स्टैंडर्ड क्या रखा आपका, वो रखा 1024 का। अगर मैं 1024 बाइट को मिलाता हूँ तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो बन सकता है मेरा 1 किलोबाइट, 1 KB। 1024 बाइट का 1 किलोबाइट बनता है। अगर मैं 1024 किलोबाइट को मिलाता हूँ तो मेरा बन सकता है 1 गीगाबाइट, 1 GB बनता है। अगर मैं 1024 गीगाबाइट को मिलाता हूँ तो 1 TB बन सकता है। अगर 1024 को टेराबाइट को मिलाते हैं तो 1 PB बन सकता है, पेटाबाइट। अगर 1024 पेटाबाइट को मिलाते हैं तो 1 EB बन सकता है, एग्जाबाइट। अगर 1024 एग्जाबाइट को मिलाते हैं तो बन सकता है 1 ZB, यानी कि जीटाबाइट। अगर 1024 जीटाबाइट को मिलाते हैं तो बन सकता है 1 योटाबाइट, 1 YB। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट की यूनिट है। बोल लो आप लोग, अब तक इतनी मेमोरी को नॉर्मली यूज़ भी नहीं किया जाता। नॉर्मली आप देखते होंगे 1 TB तक की हार्ड डिस्क होती है, जो हमारे आजकल के लैपटॉप में जो जनरली चली आ रही है, या फोटोग्राफर्स वगैरह, या बहुत कम लोग हैं जो 1 या 2 TB की यूज़ करते हैं। जनरल में तो एक टीबी बहुत है, वो मैक्सिमम है। जनरल में तो हमारे मोबाइल फ़ोन में 64 GB, 128 GB ये अनफ है, बहुत है। मतलब डेली यूजेस में हमारा इतना यूज़ भी नहीं होता कि 128 GB की मेमोरी को भी फिल किया जा सके एक नॉर्मल यूजर्स के लिए। हाँ, फोटोग्राफर वगैरह होते हैं उनके लिए थोड़ा सा डेटा होता है, वो लंबा हो जाता है, तो 1 TB 2 TB बस ठीक है, 3 TB 5 TB 10 TB इतने से ज़्यादा क्या यूज़ करेंगे। गूगल वगैरह के लिए गूगल हेडक्वार्टर है, गूगल कंप्यूटर है, वो थोड़ा भाई पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जीटाबाइट तक जाए, योटाबाइट तक जाना वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है आपका डेटा। और या सुपर कंप्यूटर या गूगल जैसे ही यूज़ कर सकते होंगे, डेली लाइफ में तो इसका यूज़ करना बहुत ही रेयर कंडीशन है। तो आप ये देखिएगा, 1 योटाबाइट के पास हमारे 100 मिलियन में से 1 न्यूरॉन्स की पावर है। देखिएगा कितनी ज़्यादा ताकत है इसके अंदर। पूरी दुनिया को अगर 1 न्यूरॉन के अंदर 3 बार भी स्टोर कर दिया जाए फिर भी जगह खाली रह सकती है, ऐसा कुछ आपके न्यूरॉन्स की पावर है। तो कभी हताशा में या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर है। मतलब भगवान ने अल्टीमेट पावर दी है हमें कुछ भी स्टोर करने की। तो आपको लिखने के लिए मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती होगी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इसको आराम से समझ जाओगे। वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको आसानी से समझ आ जाएंगी चीज़ें ये। तो आपको ये बात तो समझ आई कि हमारे माइंड की फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स, इससे छोटा कुछ नहीं है आपके माइंड में। और ये हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट सेल भी बोला जाता है, सबसे लंबा सेल भी है, और ये इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन्स। अगर मैं बात करूँ इस तंत्रिका तंत्र की या नर्वस सिस्टम की फर्दर डिवाइड करने के लिए, भाई आपका नर्वस सिस्टम जो है ये कितने टाइप का होता है आगे, तो ये टाइप्स, यहाँ पे मैं टाइप्स लिखता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो टाइप्स हैं आपके वो कितने टाइप के होंगे आपके, तो ये 3 टाइप का होता है आपका, जिसमें से पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं CNS।
पहला जो टाइप है वो है CNS, दूसरा जो टाइप है इसके अंदर वो है आपका PNS, और तीसरा जो टाइप है उसका नाम है आपका ANS, ANS। इनकी फुल फॉर्म्स क्या है आपकी? CNS मींस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसका मीनिंग है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटो नर्वस सिस्टम। अगर मैं इनकी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में इनका नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसका नाम हिंदी में है प्राधीय तंत्रिका तंत्र, और इसका हिंदी में नाम है स्वाधीय तंत्रिका तंत्र। मैं आपकी सहूलियत के लिए दोनों लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लिख रहा हूँ, और आप ताकि इसके नोट्स भी बनाना चाहो तो इजीली बना सकते हो। देखिएगा क्या है ये, एक्चुअल में नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होगी आपकी। ये तीन टाइप से होता है, एक CNS, PNS, ANS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्राधीय तंत्रिका तंत्र और स्वाधीय तंत्रिका तंत्र। इनको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। सपोज कीजिएगा ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है यहाँ पे ऐसे, और इस ब्रेन से, इसके अंदर से एक ऐसे मोटी सी नव्ज निकल रही है जिसको हम बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका सपोज करते हैं ब्रेन है, ब्रेन, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ये आपकी है स्पाइनल कॉर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जू, मेरु रज्जू है ये आपकी। ये आपका मस्तिष्क हो ही गया, मस्तिष्क। ये ब्रेन, और ये यहाँ पे मोटी नव्ज निकलती है, जैसे इस मार्कर जैसी मोटी नव्ज इसके अंदर से निकलती है, वो आपकी है मेरु रज्जू यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। अब ध्यान से समझिएगा इसका, ये टाइप्स और इससे क्या इसका रिलेशन है, कैसे ये वर्क करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है दोस्तों जो कि इस दिमाग और मेरु रज्जु से मिलके बना हुआ होता है। ब्रेन और मेरु रज्जु से मिलके जो भी सिस्टम आपका क्रिएट हुआ है उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। केंद्र का मीनिंग यही होता है कि आपका ये मेन सेंटर, ये जो काम है इसी से सारा कुछ वर्क होता है, यही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर ये नहीं है तो बॉडी का कोई पार्ट ही ऐसा नहीं है जो मूवमेंट में आए या कोई काम करे। इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही आपका पूरा ब्रेन होगा, हमें मेनली पढ़ना इसी को ही है, डिस्कस भी इसी को ही करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ब्रेन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बेसिकली इसके अंदर से निकलती हैं कुछ आपकी नर्व्स ऐसे, इसके अंदर भी ऐसे बहुत सारी नर्व्स होती है, छोटी 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 महीन चीजें होती हैं, इनके अंदर से भी ऐसे नर्व्स निकलती है, इनके अंदर से भी जो नर्व्स, ये ऐसे आपकी मेरु रज्जु से बाहर निकली है, ऐसे बाहर निकली है आपकी, और ये बाहर निकल के जो अपने आप में एक अलग सा सिस्टम तैयार करती है उसी सिस्टम को हम बोलते हैं PNS, पेरिफेरल। पेरी का मतलब यही होता है, पेरी का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड, और बाहर वाला। तो दिमाग से बाहर जो एक अलग सिस्टम क्रिएट होता है जो कि आपकी पेरिफेरल नर्व्स कहलाती है, वो इनका काम अभी बताता हूँ, जस्ट एक बार स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। और तीसरी है आपकी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इनसे, इनसे निकलने के बाद में, जैसे ये आपकी निकली है नर्व्स निकली है ऐसे, इनसे फिर फर्दर एक नर्व्स निकलती हैं छोटी छोटी, वो अपना कोई सिस्टम क्रिएट करती है, उनको हम बोलते हैं स्वाधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम।
एक बार स्ट्रक्चर दोबारा समझिएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो वो सिस्टम होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिमाग से परे, पेरी मतलब दूर, हटके, आउटसाइड। जो नर्वस सिस्टम इस तंत्रिक मेरु रज्जु से निकल के बाहर नॉर्मल जो तंत्रिकाएं निकलती है उनको बोलते हैं प्राधीय तंत्रिका तंत्र। और ऑटोनोमस जो फर्दर आपके प्राधीय से आगे फर्दर डिवाइड हुई है, छोटी छोटी, बहुत ही महीन, बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है, इतनी मोटी नहीं रहती, ये तो बहुत मोटी थी, इससे भी थोड़ी ये मोटी थी, बिल्कुल बारीक बारीक, हमारे बाल जितनी पतली महीन हो जाए, इससे भी ज्यादा पतली महीन हो जाए आपकी तार के टू रूप में हो जाती है आगे जाके, उसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। अभी जो मैंने बताया कि इससे दिमाग से ऐसे नर्व्स निकलती है, तो बेसिकली वो निकलती है आपकी 12 जोड़ी में, 12 पेयर ऑफ, उनको बोलते हैं बेसिकली क्रैनियल नर्वस सिस्टम। क्रैनियल नर्वस सिस्टम होता है वो आपका, क्रैनियल तंत्रिका तो जोड़ी होती है 12 जोड़ी। यहाँ से निकलती है वो 31 पेयर में, 31 ऑफ पेयर निकलती है। तो ये वाला एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि हमारे दिमाग से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है, 12 पेयर में निकलती है, 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिका तंत्र होती है आपकी, और इससे निकलती है 31 पेयर। इस लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट वगैरह के लेवल में अगर हमें पढ़ना होगा आगे, नीट के जब लेक्चर्स में अपलोड करूंगा तब, कि उसमें फिर अलग से पूछा जाता है कि फिफ्थ नर्व क्या करती है, सिक्स नर्व क्या करती है, 13 नर्व क्या करती है, 12 नर्व क्या करती है, उनका अलग अलग वर्क होता है। एसएससी लेवल में इतना नहीं पूछा जाता। सो आप यहाँ पे इतना ही याद रखिएगा कि जो ब्रेन है, ब्रेन में 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर ऑफ निकलती है। तो ये आपको समझ आया होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब केंद्र, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका दो लोब होते हैं हमारे ब्रेन के, एक लेफ्ट लोब होता है और एक राइट लोब होता है। लेफ्ट लोब जो है वो राइट को कंट्रोल करता है, राइट जो है वो लेफ्ट को कंट्रोल करता है। बेसिकली कहा जाए तो कि लेफ्ट पे अगर चोट लग जाए तो राइट पार्ट काम नहीं करेगा, और अगर यहाँ चोट लग जाए तो ये वाला पार्ट काम नहीं करेगा, और अगर यहाँ चोट लग जाए तो पूरी बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं करेगा आपका। और पेरिफेरल जैसे आप समझो कि आउटसाइड, बिल्कुल भाई, एक मेन जहाँ पे आपका बांध है, सपोज करो वहाँ पे बिजली बन रही है, बड़ा डैम में बिजली बनती है, वहाँ से फिर एक मेन बिजली बोर्ड में आएगी, बिजली बोर्ड से फिर मतलब घरों में डिस्ट्रीब्यूट होएगी, मेन आपका जहाँ पे बिजली बनी, बिजली बोर्ड, फिर घर तक आपका। तो ये वो सिस्टम है जो आपका इन बिटवीन होता है स्पाइनल कॉर्ड टू, जहाँ फाइनली पहुँचाना होता है उस सिग्नल तक। और जो ऑटोनोमस है आपका स्वाधीय तंत्रिका तंत्र, ये बेसिकली हमारे शरीर के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, सपोज करो छींक आना, पलक झपकना, हृदय की धड़कन, ऐसे कुछ एक्शंस जितने भी होते हैं वो आपका ANS यानी कि ऑटोनोमस इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं सारे यही कंट्रोल करता है। तो बेसिकली आज दोस्तों हमें ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही डिस्कस करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज और क्या आगे के जो लेक्चर्स होंगे इसी को पढ़ना है, इसी के दो हिस्से हैं बेसिकली, एक जैसे ये मैंने बनाया है ब्रेन और एक है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरु रज्जु। डिटेल में हमें ब्रेन को देखना है, तो थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रेन को। ब्रेन जो है आपका, उसका वेट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि अडल्ट मेल जो होता है, वयस्क पुरुष, उसके दिमाग का भार होता है लगभग 1400 ग्राम के आसपास। और अडल्ट फीमेल जो है आपकी, अडल्ट फीमेल का जो ब्रेन का वेट होता है आपका, वो होता है लगभग 1300 ग्राम। इनमें 100 ग्राम थोड़ा कम होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर इंटेलिजेंसी कम है, लेकिन कम तो होता है, 100 ग्राम कम होता है, ठीक है, हाँ कम होता है, सच में कम होता है, ठीक है, और 100 ग्राम कम होता है। आप में से कुछ बोल रहे होंगे सर जी होता ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, होता है, बहुत होता है, और इंटेलिजेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप याद रखिएगा कि दिमाग का वेट कम या ज़्यादा होने से इस पर इंटेलिजेंसी का फर्क नहीं पड़ता। क्यों कह रहा हूँ मैं, दुनिया में एक साइंटिस्ट हुए हैं आइंस्टीन, उनके दिमाग का भार केवल और केवल 1250 के आसपास, 1200-1250 ग्राम के बीच में ही था, जो सबसे कम था आपका। लेकिन सबसे ज़्यादा, अब तक का सबसे ज़्यादा माइंड उन्होंने अपने दिमाग का 7% हिस्सा यूज किया था। अब तक मैक्सिमम लोग 5% कर पाए हैं, जो आइंस्टीन ही थे जिन्होंने से 6-7% यूज़ किया था। तो देखो, दिमाग का भार कम या ज़्यादा होने से किसी का इंटेलिजेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम तो है, ठीक है, कम तो है भी, देखो कम तो कम ही होता है।
चलो आई एम जस्ट किडिंग। तो 1250 ग्राम इनके अंदर था, न्यूटन के अंदर। और दिमाग का इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, हमारे दिमाग का जो कलर है वो कैसा होता है, ये कलर लगभग लाइट पिंक और ग्रे सा होता है। तो बेसिकली माइंड को बोल दिया जाता है ग्रे मैटर। जैसे एक इंग्लिश की कहावत ही है ना कि तेरे अंदर ग्रे मैटर नहीं है। इंग्लिश की कहावत क्या, इंग्लिश में लोग बोल ही देते हैं कि क्या तेरे अंदर भाई ग्रे मैटर नहीं है क्या। कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी आजकल नाम ग्रे मैटर पे रखे गए जाते हैं। ग्रे मैटर बेसिकली माइंड को ही कहते हैं। तो पिंक लाइट और ग्रे जैसा सा कलर होता है इसका। ये दिखने में इसका अखरोट जैसा स्ट्रक्चर होता है, अखरोट देखा होगा आपने, उबड़ खाबड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है ना आपका, वैसा इसका दिखने में स्ट्रक्चर होता है। और जो माइंड के आपके, अगर मैं बात करूं कि डे और नाइट में ये एक्टिव कब होता है ज़्यादा, डे और नाइट को कंपेयर किया जाएगी ये कब एक्टिव होता है, कब कम ज़्यादा, मतलब किस टाइम पे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस में नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, इसका जवाब तो ये है कि रात को माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू जो भी आपका टाइम बचता है, जो भी आवर्स बचते हैं उसमें से रात में ज़्यादा एक्टिव होता है। मीन्स अगर आपको कुछ एक्टिव वाले काम करने हो, कुछ सॉल्यूशन वाले, सपोज जैसे रीजनिंग सॉल्व करनी है आपको, मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, या कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या किसी भी सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करना है, तो आप रात में कीजिएगा उनको। तो आपको खुरापाती हरकतें जो हैं तो रात में ही होती हैं, तो ये करने में थोड़ा सा एक्टिवनेस होएगा, जल्दी आपके सॉल्व होंगे वो। और सुबह की अगर मैं बात करूं तो सुबह के समय हमारी कैचिंग पावर ज़्यादा होती है, मतलब स्मरण शक्ति। हम किसी चीज़ को अगर कोई पढ़ने वाली है, जीके आप याद कर रहे हो, आप साइंस के कुछ चीज़ें याद कर रहे हो, या कुछ आप और भी चीज़ें से रट रहे हो, याद कर रहे हो, मतलब याद करने वाली चीज़ें सुबह के टाइम में, भाई हम पूरी रात में इत्मीनान से सोए होते हैं, बड़े फ्रेश मूड होता है, दिमाग आराम से फ्रेश होता है आपका, तो हम सुबह अच्छे से याद भी कर सकते हैं। अगर आप बात करो कि जैसे कितना घंटे तक दिमाग सोता है या दिमाग कितनी देर सोता है, तो घंटे वगैरह नहीं सोता, जो केवल और केवल जो है आपका माइंड वो आपका 30 से लेके और 45 मिनट तक ही सोता है। कई एग्ज़ाम में 45 के जगह आपको 55 मिनट मिल जाएगा ऑप्शन, तो कोई इश्यू नहीं है, लगभग सही आंसर है वो आपका। कईयों को थोड़ा ज़्यादा सो जाता है, कोई बात नहीं है, तो 30 से 45 मिनट के आसपास ही दिमाग सो पाता है, अदरवाइज़ बाकी टाइम पे ये जगता ही रहता है, ऑन द स्पॉट ये काम करता ही रहता है, आपका रुकता नहीं है कभी भी। और अगर दिमाग की बात की जाए, मतलब कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, मम्मी मतलब सुबह सुबह कहने लग जाती है कि उठो उठो सुबह उठो सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, इस बात से आप वाकिफ़ हो? देखो मैं इससे बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, ठीक है, सुबह उठ के जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए। मम्मी लोग बोल देते हैं उठो पढ़ो, सूरज निकल गया देखो उठो, तो सूरज से हमें क्या करना, हमें फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करनी है, हम प्रकाश संश्लेषण से भोजन थोड़ी ना बनाएंगे जो हमें सुबह सूरज निकल गया, ठीक है। देखो सुबह की नींद होती है, बड़ी इत्मीनान से सोना चाहिए, जो मज़ा सुबह की नींद लेने में है मेरे ख्याल से वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। ये मेरा पर्सनली मत है, ये मेरा कहना है ऐसा, आप क्या सोचते हैं वो आप बताएं मुझे कि आपका क्या मन है। कभी भी उठ के पढ़ें, रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, सुबह में पढ़ें, ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं होता कि हम इस टाइम पे पढ़ेंगे तो तभी याद होगा, जब आपका दिल करे तब पढ़ सकते हो। मेरा जो मन था वो मैंने बता दिया तुम्हें, मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा ठीक लगता है, किसी को सुबह पढ़ना ज़्यादा ठीक लगता है, वो किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है हर किसी का। तो हमारा माइंड लगभग इतने टाइम तक ही सो पाता है आपका। हमने अब तक आपको दिमाग बता दिया, मैंने 5% यूज़ किया है, मैक्सिमम 7% है वो आइंस्टीन एक ही इंसान ने यूज़ किया था। अगर हम, ये दिमाग बड़ा टैलेंटेड चीज़ है, अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज़ कर लेना 100%, तो हम भगवान बन जाएंगे। ऐसा एक मूवी में बताया गया था, आई थिंक 2014 में एक मूवी आई थी लूसी, आप उस मूवी को देखना, उसमें मतलब बताया अगर 100% हमने दिमाग को यूज़ कर लिया तो हम दुनिया में भगवान हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। तो ये थोड़ा सा है कंसेप्ट इसका भी। डॉल्फिन जो है वो अपने माइंड का लगभग 20% हिस्सा यूज़ करती है, 20% हिस्सा। क्या सर जी डॉल्फिन हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है? ऐसा नहीं है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा यूज़ करती है, हम अपने दिमाग का करते हैं वो अपने दिमाग का करती है। पर हाँ, मछलियों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कई ऐसे वीडियोज़ वगैरह, जैसे कैसे छल्ले से निकलना, कूदना, नाचना, वो अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, हमारा दिमाग किस पे अट्रैक्ट होता है अगर हम ये भी बात करें तो बेसिकली दोस्तों हमारा दिमाग है वो तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, तीन चीज़ों पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है।
इनमें से जो पहली चीज है आपकी वो है खाने पीने की चीज। खाने पीने की कोई भी चीज है, मतलब रसगुल्ला है, भुजिया है, टमाटर है, प्याज है, मतलब नींबू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च एक साथ जचाए हुए हों तो देख के मतलब ऐसा लगता है हाय इसको खा लिया जाए। रसगुल्ले की फोटो है कहीं पे, कहीं गुलाब जामुन है, कहीं बर्गर है, आपके मसाला डोसा है या पनीर डोसा है, कुछ भी ऐसी चीजें जिनको देख के हमारा मतलब ऐसा ही जीभ लपलपाती है, लाला चाह लप 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 लप। ये ऐड भी आपने देखी होगी, एल्फिनलीबे या जो भी है, मतलब खाने पीने की चीजों पे हम अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं, नंबर वन चीज। नंबर दो चीज जो है, हम खतरे से बहुत ज्यादा डरते हैं, मतलब खतरे से अट्रैक्ट होता है हमारा माइंड, एकदम से कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हम तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। एकदम से अगर शेर आ जाए तो मतलब कोई आदमी कभी पेड़ पे चढ़ाई ना हो जिंदगी में, वो बिल्कुल उसके ऊपर तक चढ़ जाएगा। कोई कहता हो कि खजूर का पेड़ है वो बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उसके पीछे शेर पड़ा हुआ हो वो खजूर के पेड़ के ऊपर क्या, खजूर के पत्ते तक जाके बैठ सकता है। मतलब ये डर कुछ ऐसा ही होता है, स्ट्रेस हार्मोन, एपिनेफ्रिन हार्मोन है, हम आगे के लेक्चर्स में बताएंगे उनको भी कि कैसे वो काम करता है बॉडी में। तो खतरे में ज्यादा एक्टिव होता है हमारा माइंड। आप टॉयलेट में जाओ, पीछे देखो शेर शेर बैठा है एकदम से, मतलब उस टाइम पे जो आपका होगा खतरा, वहां से भाग जाओगे एकदम से आप। तो ये जो खतरे में हम ज्यादा एक्टिव होते हैं। तीसरा जो है, हम खूबसूरती पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोई ऐसा पनोरमा हो, सुंदर सा व्यू हो, आपका गाड़ी हो कोई सुंदर सी, कोई मतलब बढ़िया घर हो किसी का, कोई अच्छा एरिया हो देखने में, लोग घूमने जाते हैं, केरला साइड जाते हैं, जम्मू कश्मीर, डलहौजी, शिमला में अच्छा सुंदर सुंदर एरिया देखने, अट्रैक्ट हम होते हैं। आप कभी गौर करना, इस दुनिया में ज़्यादातर जितने भी एडवर्टाइजमेंट, मूवी या कोई ऐसी चीज़ बनाई जाती है तो लगभग इन तीनों कंसेप्ट्स पे बेस होती है। या तो उसमें खाने पीने का कंसेप्ट होगा, या कोई डराने का कंसेप्ट होगा, कोई खूबसूरती का कंसेप्ट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट होता है। डराने वाले में ऐड आती है वो टूथपेस्ट की, छत फाड़ के बाहर निकलती है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे डराने का ऐसा होता है। खाने पीने की टॉफी की ऐड आती है, बर्गर्स की आती है, तेल की आती है, सफोला की आती है, बहुत सारी ऐसी मैगी वगैरह की ऐड आती है, खूबसूरती की आती है, फेयर लवली की। फेयर लवली कभी भैंस को लगा के दिखा गोरी करती है क्या? मैंने तो आज तक देखा नहीं है किसी को मतलब फेयर लवली से गोरे होते हुए, पर ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है, उनको भी पता है, उन्होंने भी शायद बायोलॉजी पढ़ी होगी कि इस पर अट्रैक्ट होता है हमारा माइंड। तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारा माइंड तीन चीज़ों पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, खतरे पे, खूबसूरती पे और खाने पीने की चीज़ों पर। हमारा माइंड का वेट हो गया, कलर हो गया, सोने का टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया याद करने का। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है माइंड के बारे में, हमारे माइंड में कोई दर्द देने वाला अंग नहीं है। हमारी पूरी बॉडी को अगर बात किया जाए ना, तो पूरी बॉडी में हर जगह कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जिसमें दर्द होता है आपका, लेकिन माइंड एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसमें दर्द नहीं होता। इसका ऑपरेशन करते टाइम पे डॉक्टर लोग इसको कभी भी सुन नहीं करेंगे, ठीक है? अगर इसको सुन कर दिया जाए तो ये कभी भी दोबारा जाग नहीं सकता आपका। अगर न्यूरोन एकमात्र ऐसा आपका शरीर का एक टैग कहते हैं ना, यूनिट है जो सबसे कम पुनरुद्धरण भवन की क्षमता है इसके अंदर। अगर एक बार ये डेड होगी तो दोबारा बनेंगी नहीं, एक बार ये खराब हो गया तो मतलब दोबारा बन ही नहीं पाएंगी। इसके बारे में हम आगे और आगे के इसके पार्ट टू के अंदर और भी डिस्कस करूंगा अच्छे से, पर न्यूरॉन सबसे कम आपका रीजनरेट होने वाला है। और दिमाग, बेसिकली दिमाग के अंदर कोई दर्द देने वाला अंग नहीं है। दिमाग का ऑपरेशन किया जाता है तो नॉर्मली किया जाता है आपका, सिंपली उसको बिना कोई सुन किए सीधा ही, इस कपाल को खोलने के लिए नॉर्मली कर लेते हैं, बाकी नॉर्मली जब दिमाग के अंदर कोई ऑपरेशन होता है तो उसको कोई सुन नहीं किया जाता। इस दुनिया की सबसे जटिल संरचना जो है वो हमारा ह्यूमन ब्रेन है आपका। इतना आपको आज ये समझ आया होगा। आगे के लेक्चर्स में पूरे ब्रेन का डायग्राम बना के हम ब्रेन को समझेंगे, उसके सारे पार्ट, सेरिब्रम, आपके तीन पार्ट बेसिकली, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उसमें से सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिबेलम हो गया आपका, पोन्स हो गया, मैंडुला ऑब्लिगेटा हो गया, ये एटलस हो गया, ये सारे 6-7 पार्ट्स जो हैं उनको भी अच्छे समझने की ट्राई करेंगे, और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे माइंड के वो आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। सो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के साथ में, देखते रहिए स्टार एजुकेशन। थैंक यू दोस्तों।